बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई का खौफ बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। किस तरीके से ये धमकी मिली, क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको हम इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। दरअसल मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर एक मैसेज आया। ये कोई ऐसा वैसा मैसेज नहीं था, ये एक धमकी भरा मैसेज था। इस मैसेज में सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई के साथ उनकी कड़ी दुश्मनी को खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। और धमकी देने वाले ने साफ तौर पर कहा है कि इसको हल्के में मत लेना, वरना सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से बुरा होगा। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को नवी मुंबई पुलिस ने सलमान खान की हत्या की साजिश के सिलसिले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार किया था। वहीं जनवरी 2024 में 2 अज्ञात व्यक्तियों ने नकली पहचान का उपयोग करके सलमान खान के पनवेल फार्म हाउस में घुसने की कोशिश भी की थी। सलमान खान ने पुलिस को बताया था कि 2022 में उनके घर के सामने एक बेंच पर धमकी भरा लेटर भी मिला था। वहीं मार्च 2023 में उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की तरफ से ईमेल के जरिए धमकी मिली थी। अब बात करते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की। 12 अक्टूबर की रात को निर्मल नगर इलाके में उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड ने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया। जब से ये मैसेज पुलिस को मिला है, पुलिस और सक्रिय रूप से अलर्ट हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए रेडियो सिटी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।